नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे जो भी नया एक्सप्रेस बनने वाला है, जैसे कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, साथ ही नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इनमें काम शुरू होने वाला है। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया और इवन कमेंट आना भी है, क्योंकि हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे है ये नया सेगमेंट है, नए तरीके का हाईवे है जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इवन आप एग्जिट एंट्री पास कैसे करते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं कि कैसे एंट्री और एग्जिट करते हैं। साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का एक डाउट था कि ये जो एक्सप्रेस वे होता है, इसमें मान लीजिए हमारे खेत किसी और तरफ है और रोड के उस तरफ हमारा कोई पहचान वाले का या हमारा ही खेत है और हमें जाना है, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि एक्सप्रेस वे में कोई भी लोग वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अगल बगल फेंसिंग रहती है, एक्सप्रेसवे काफ़ी हाइट पे रहता है, पॉसिबल नहीं होता कि चढ़ के उसके ऊपर से क्रॉस किया जाए, क्योंकि वो एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। गाड़ियों की जो स्पीड है 100 के ऊपर चल रही है, 120-130 किलोमीटर पर आवर तक भी चल रही है। इवन समृद्धि एक्सप्रेस का जो डिज़ाइन हुआ है वो 150 के हिसाब से हुआ है, लेकिन वो बात अलग है कि गाड़ी उस लायक नहीं होती। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम रोड को क्रॉस करें। देखिए, सबसे पहले अगर आप फोर व्हीलर से जाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एग्जिट एंट्री पास के जरिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप खेत पे हैं, आपको दूसरे साइड जाना है, तो एक्सप्रेसवे में सर्विस रोड होता है। सर्विस रोड आपका बगल में चलते रहता है, ये निर्भर करता है कि लेफ्ट साइड चलेगा कि राइट साइड चलेगा। मेरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का अनुभव ऐसा है कि सर्विस रोड पर्टिकुलर चलता है, साथ ही बीच बीच में कलवर्ट के जरिए आपको रास्ता प्रोवाइड की जाती है कि आप पर्टिकुलर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आना चाहें तो उस कलवर्ट के जरिए आ सकते हैं। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी दो गांवों का कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेसवे में 400 मीटर, 500 मीटर, कई बार तो 300 मीटर तक आपको इस टाइप के कलवर्ट देख सकते हैं। साथ ही फोर व्हीलर भी पास होती है और आम लोग भी उससे पास हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऐसी बात नहीं है कि एक्सप्रेसवे में बनने के बाद कोई उधर वाला पर्सन लॉक हो गया, उसको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता। और भी सारे डिटेल के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं दो लिंक दे रहा हूँ, एक्सप्रेसवे हाईवे में अंतर, साथ ही एक्सप्रेसवे में हम कैसे एक्सेस करें, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।